तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज है 5 फरवरी। 5 फरवरी को जितने शिफ्ट हुए हैं आरपीएफ कांस्टेबल के, जो जो क्वेश्चन पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं, उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन ऐसे नहीं डाला था क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे थे। आज एक बच्चे ने पेपर दे के आया, दो शिफ्ट में आज मेरे दो बच्चे थे जिन्होंने पेपर दे के आया, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको ये काम करना, अगर आपका आगे आने वाले दिनों में पेपर है या फिर आपका आज पेपर है, तो आप क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करिए, ताकि मैं बच्चों को बता सकूं कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन को लिखा करिए जो क्वेश्चन पूछा गया वो, और किस दिन पूछा गया आगे वो डेट जरूर लिख दी करिए। ठीक है, शिफ्ट भले ना बताइए लेकिन डेट जरूर बता दिया करिए कि इस दिन सारे मेरा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन लिख के उसके आगे डेट जरूर लिख दी करिए, ताकि बहुत सारी चीजों को मैं बता पाऊँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग कट ऑफ भी थोड़ा सा तय करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, उसके हिसाब से कट ऑफ के ऊपर भी बातें करते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है रिजल्ट आ गया, कुछ रिजल्ट का क्या रिजल्ट है उसके ऊपर पूरी वीडियो में बात करें हैं। आप लोग वीडियो जाकर जरूर देखिए, आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। वो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहां पे मैंने बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी बनाए, जिससे जीएस के सेम टू सेम और हूबहू क्वेश्चंस आपको मिल जा रहे हैं। तो अभी आपको आगे वाले दिनों में पेपर है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। विश्वास करिए, बहुत हेल्प मिलने वाली इस वीडियो से। चलिए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले तो आपको बता दें जीएस में आपके पास कुल मिला के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में 35 और मैथ्स में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले आपको जीएस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैथ्स के क्वेश्चन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, इकट्ठे इकट्ठे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि जीएस का पहला क्वेश्चन यहाँ दिखेगा फिर कुछ क्वेश्चन के बाद दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकट्ठे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जा रहे हैं, आप आराम से वहां से सभी चीजें सॉल्व कर सकते हो। चलिए, कुछ क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपको क्वेश्चन आज जो पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, सबसे पहला ये क्वेश्चन आज का आया हुआ है। इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य है। इससे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा सकते हैं आपसे कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य है कुल मिला के। अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने अपने जो 1000 के क्वेश्चन कराए मैं कवर, उसमें मैंने कराया हुआ। मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिल रहे हैं, वो भी आप लोग जरूर देखिए, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। एक क्वेश्चन संविधान से और आया था, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि संविधान से कुल मिला के 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रहा आरपीएफ में। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, पहले दिन से 14 क्वेश्चन संविधान से आए थे। आप समझ सकते हो कि 35 में से अगर 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपके इतने 50 में से अगर 14 क्वेश्चन आए, तो काफी बड़ी मात्रा है संविधान की। अच्छे से इसको मैंने आपसे कहा था आपको करने को, और बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप जरूर कर लीजिए। संविधान में कुल मिला के कितने भाग पूछा गया था, तो भारतीय संविधान के वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 395 में से ज्यादा यानी 400 से ज्यादा अनुच्छेद है। लेकिन जब बना था तो संविधान उस समय 395 थे और 22 भाग थे। ठीक है, 395 थे और उसमें शायद 18 भाग ऐसे कुछ भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इस समय शायद 25 भाग हो गए हैं, 22 यहाँ पे कितने हो गए हैं, 25 भाग हो गए। देख लीजिएगा, जो भी होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां से आपको बता दूंगा। अगला आता है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लाला हरदयाल और सोहन बिन भकना, इन दोनों के द्वारा ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण आपके लिए एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। शुद्ध जल की पीएच वैल्यू पूछा गया था, तो 7 होती है। आपको पता है पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होती है, बीच में आपका 7 पड़ता है जो न्यूट्रल होता है यानी जो उदासीन होता है। 0 से लेकर 7 तक जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और 7 से लेकर 14 तक ही बेस वाले होते हैं। ठीक है, एसिडिक क्या होता है, धीरे 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 एसिडिक आपको क्या होता है, वो कम होते जाता है, फिर बेस यहाँ से मजबूत होते जाता है। इस हिसाब से भी आपको करना है। एशिया कप क्रिकेट 2018 कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो दुबई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, दुबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप सभी के पॉलिटिक्स से पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल इसको नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी के सभी। बहुत ज्यादा बार आपसे क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि एक दुकानदार ने 55 संतरा को बेचकर 11 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने का उसने लाभ कमाया, 11 को, कितने को बेचकर, 55 संतरा को बेचकर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कोई भी लाभ या हानि देखते हैं तो वो क्रय मूल्य पे देखते हैं। आपको ये चीजें पता है कि हम लोग कोई भी लाभ या हानि देखते हैं तो किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे देखते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा उसने क्रय मूल्य पे लाभ नहीं कमाया, उसने विक्रय मूल्य पे लाभ कमाया, तो मुझे कुछ यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने लाभ कमाया तो हम इन दोनों को माइनस करके नीचे लिखते हैं,
अगर उसने हाँ नहीं किया होता तो इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं नीचे, ठीक है। समझिएगा कब, जब यहाँ पे विक्रयमूल की बात होगी। अगर यहाँ पे क्रयमूल हो जाता तो हम सीधे यहाँ पे नीचे 55 लिख देते हैं, लेकिन विक्रयमूल की बात होगी तो लाभ में दोनों को माइनस करके लिखेंगे, और आपकी हानि की बात होगी तो यहाँ पे दोनों को प्लस करके लिखेंगे। ये हो गया आपका 11/44 × 100। क्या हो गया, 11/44 × 100, 11 चौक 44, आपने से काटा 25 चौका 100, यानी 25%। यहाँ 20 जो बच्चे ने भेजा, 20 बिल्कुल गलत आंसर है, 25% यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो चीज समझना था वो ये समझना था कि अगर विक्रय मूल्य कहता है तो हम लोग उसको माइनस करके लिखेंगे अगर वो लाभ कहेगा, प्लस करके लिखेंगे अगर वो हानि कहेगा। ये आप समझ लोगे अच्छे से तो अच्छे स्कोर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए। क्वेश्चन ये था कि श्याम प्रत्येक महीने 2300 रुपये कमाता है, जिसमें से 1200 रुपये जो है वो भोजन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कोई व्यक्ति प्रत्येक महीने 2300 रुपये कमाता है, 1200 रुपये वो भोजन पे खर्च कर देता है, 630 रुपये वो परिवहन पे खर्च कर देता है, और उसकी जो भी मासिक आय है उसका 10% वो आकस्मिक खर्च पे लगाता है। तो 2300 अगर वो कमाता है, इसमें से अगर वो 12% खर्च कर देता है भोजन पे, बचा उसके पास कितना, 1100। इसमें से 630 रुपया वो खर्च कर देता है परिवहन पे, तो बचा कितना, 470 रुपया बचा। और अपने मासिक आय का 10% आकस्मिक खर्च लगाता है। मासिक आय है कितनी उसकी, 2300 रुपये है, इसका 10% आकस्मिक खर्च लगाता है, 230 रुपये वो आकस्मिक खर्च पे लगाता है। अब उसके पास कितना बचा, 240 रुपये बचा। वार्षिक बचत पूछा है तो हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 240 × 12 ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में जो यहाँ पे समझने वाली थी बात वो ये थी कि उसने कहा था कि 10% वो आकस्मिक खर्च पर लगाता है, किसका, मासिक आय का। जबकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे उसकी इनकम है 417 है, उसी का 10% निकाल देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो मासिक आय का 10% लगाता है वो आकस्मिक खर्च पे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ओलंपिक 2020 ये कहाँ पर होगा। तो आपको पता है ओलंपिक 2020 का जो होना है बहुत बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये 24 जुलाई से शुरू हो रहा है, ये टोक्यो जापान में होगा। इसके लिए 3 देशों ने कहा था कि मुझे कराना है, मुझे कराना है। सबसे पहले तो रियल मैड्रिड, दूसरा टोक्यो और तीसरा इस्तांबुल। लेकिन टोक्यो की मेजबानी सबसे ज्यादा थी, उन्होंने सबसे मतलब वो कहा था कि हाँ ठीक है हम कराएंगे, तो टोक्यो को ही मिला था। टोक्यो कहाँ है, जापान में, आपको पता ही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता कि टोक्यो कहाँ पे है, तो जापान में है। एक क्वेश्चन देखिए गांधी जी से पूछा गया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा दिया था वो कहाँ पे दिया था। तो आपको बता दूं उन्होंने 1942 में यह नारा दिया था, आपको पता ही है, बॉम्बे में दिया था, और अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक को संबोधित कर रहे थे ये, तभी इन्होंने ये नारा दिया था। उन्होंने कहा था करो या तो मरो, या तो भाड़ में जाओ, ठीक है, करो या मरो उन्होंने कहा था। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के चेयरमैन कौन है। तो सतीश रेड्डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के चेयरमैन कौन है बच्चों, सतीश रेड्डी है, और सतीश रेड्डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए। मांसपेशियों में किसकी संख्या के कारण थकावट लगती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है, हमारे मांसपेशियों में किसकी वजह से हमें थकावट लगती है। तो हमारे मांसपेशियों में जो थकावट हमें लगती है ना, वो किसकी वजह से लगती है, वो सिर्फ और सिर्फ लगती है लैक्टिक एसिड की वजह से। और लैक्टिक एसिड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये है संतोष यादव, नाम उनका मर्दों वाला है, इन्होंने इसलिए मर्दों वाला काम किया भी है, लेकिन ये फिलहाल महिला है। आप उनका सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, जैसे आप संतोष यादव डालोगे तो आपको ये खुल जाएगा, ठीक है। आप जैसे कि कपिल शर्मा आपने देखा होगा, वहां भी संतोष जो था पहले, जो ये बना हुआ था, वो भी तो पहले संतोष नाम था लेकिन लड़की था ना वो। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो लॉर्ड मैकाले यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी, और लॉर्ड मैकाले द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आता है कि जो जंतुओं के खुर होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो कैरोटीन के बने होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। जंतुओं के जो खुर होते हैं वो किन चीजों के बने होते हैं बच्चों, कैरोटीन के बने होते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए कि बैंक से कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक्चुअली मुझे एकदम कंप्लीट नहीं मिल पाया। क्वेश्चन ये था कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी IBRD बैंक, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। बच्चों ने बताया सर पुनर्निर्माण बैंक से संबंधित कोई क्वेश्चन था, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन क्या था वो मुझे नहीं पता चला। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहले तो नाम जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, पूरा जिसका फुल फॉर्म वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन आए थे, मैं थे कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। साधारण वार्षिक किसी दर पर 2000 की जो राशि है वो 5 साल में 2620 हो जाती है। अगर दर की जो 3% बढ़ा दे तो राशि कितनी होगी। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे आपको वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज के लिंक, वहां से जाके इन वीडियोज को जरूर देख लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
साथ ही मतलब अगर आपको पेपर ऑफिसर कांस्टेबल का है या फिर एसएससी जीडी का पेपर है तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए 149 रुपये मैंने एसटी शुरू करी है। ये एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, 20 ऑनलाइन एसटी है 149 रुपये में। जो आरपीएफ कांस्टेबल बच्चे हैं उनके लिए भी 20 ऑनलाइन एसटी है 149 रुपये में। 200 बच्चों को फिर से 20% की छूट दे जा रही है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेबल के 300 से ज्यादा मतलब एसटी यहाँ पे बिक चुके हैं अभी तक, सिर्फ मैंने जब से आपके एनालिसिस किया हुआ इस जनवरी भर में, उससे पहले तो इसमें लगभग 700-800 एसटी बिक गए थे ऑलरेडी, लेकिन 300 एसटी फिर बिके हैं। तो आपको क्या करना है, 200 बच्चों को मैंने 20% की फिर से छूट के लिए वहां पे बोल दिया है और आपको 20% की छूट मिल जाएगी। 200 बच्चे ऐसे हैं, सिर्फ आपको वहां पे कूपन कोड में एमडी क्लासेस डालना है, ठीक है, कूपन कोड में आपको एमडी क्लासेस डालना, आपको वहां पे दिखाई देगा डिस्काउंट कोड, वहां पे एमडी क्लासेस डालेगा, वहां पे एमडी क्लासेस डालना मत भूलेगा और 200 ही बच्चों को मिलेगा। मैं अभी आज वीडियो बोल रहा हूँ तो वीडियो में मुझे ये मुझे जरूर रहता है कि यहाँ कम से कम 80-90 बच्चे एक वीडियो पे जरूर खरीदते हैं, तो इसीलिए आपको जल्दी से खरीद लीजिएगा वरना आप इसमें 200 में फिर बाहर हो जाओगे। और एसटी ऐसे जो आपको एग्जाम की फीलिंग एकदम करवाएंगे, एकदम एग्जाम जैसे आप लगेगा, हाँ आपको फील एकदम हो ही जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट एसटी, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।